डले हैं कि एशिया टेलीकॉम बुलाती है तो जाना नहीं, ऐसा क्या जाती है तो बुलाना नहीं, क्या था वो बुलाती है। चलो इसी को आज अपन तर्क बनाते हैं। लोग इसको हमारा निगेटिव पॉइंट समझते हैं ना, तो हम बोलते हैं तो हम सब बुलाएंगे, बुलाती है पर आ जाना, बुलाएगी तो आ जाना, बोलो बुलाएगी तो आ जाना। कि अब मुझे बताओ कौन कौन ब्लैक पेस्टेड बिल्कुल मलाई जैसा निकलना चाहता है, पक्का? कौन कौन डुअल लेकर करना चाहता है, दोनों हाथ खड़े करके बताओ, और कौन कौन इमरजेंसी चेंज तक सीखना चाहता है, पक्का? तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं कल से। क्यों था फेक वीडियो देखने के बाद भी नहीं जाना है यार? फिर आपको मैंने जब टेंथ में था मैं तब से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा। और मैं से सीख रहा हूँ। हाँ। फिर विश्वास तो आप पे, और मैं दो मिनट के वो वीडियो देखा और आपका कितने घंटों का वीडियो देखा मैंने आपका। सही है, आपकी आपके वीडियो है बहुत, आधा घंटा एक घंटा मैंने सारा देखा है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जब मेरे इतने सैकड़ों वीडियो देखकर तुम दो वीडियो पे बिलीव नहीं कर सकते ना? आपको नॉलेज मुझे मिला तब से, गारंटी कौन देगा यार? तुमने देखा था ना वीडियो? मैं खुद वीडियो देखा पर उसको स्किप करा और यहाँ आया तो पता चला वो वीडियो फेक है, इंस्टीट्यूट फेक नहीं है। ठीक है, वाह, वेरी गुड। बताओ, मैं मोहम्मद फिरोज बिहार अररिया से, मैं भी देखा हूँ उस वीडियो को, सरासर वो वीडियो फेक है और मुझे लगता है कि ये सब गलत है, ये सब होना भी नहीं चाहिए। और जो ये वीडियो बनाए हैं उसके लिए मैं खास ये कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो को देख के स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं कि आखिर तो उसमें कोई काबिलियत होगी, कोई खासियत होगी कि उनके ऊपर कोई जलन से वीडियो बनाया, तो चलो हम जाके वहाँ पर देखते हैं। तो सर मैं वही वीडियो को मैं भी देख के स्किप करके यहाँ आया। वेरी गुड, अब बताओ फेक वीडियो का क्या सीन है? मेरा नाम नरसिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ सर जी। अच्छा सर, मैंने भी फेक वीडियो देखा था। हाँ। तो पहले वो अपने अंदर तो झांक के देखें सर, तो दूसरे को क्यों जज कर रहे हैं? और यहाँ पे आके देखेंगे ना तो उनकी हवा खिसक जाएगी सर, कि स्टूडेंट चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे जो नॉलेज मिलता है ना एकदम प्रो लेवल का, बिल्कुल डीप लेवल से खाली क्लास को भर दिया जाता है। वो तो सर चाहे तो दो मिनट में बंद कर दें उनकी चैनल को, और उनके जैसे कईयों को साफ कर दें, उनके घर तुलवा दें। बट क्या करना, स्किप करो इन लोगों को, क्या देखना उनको, उनको देख कर यहाँ आने का। हम बोलते हैं बहुत से लोग सर एक महीने में क्या सिखाते होंगे, एक महीने में क्या सिखाते होंगे, तो हमारा एक महीने का कंसेप्ट ही नहीं है, हमारा कंसेप्ट जीवन भर का, लाइफ टाइम का है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि एक महीने के बाद जो भी पढ़ाया पहले एक दो महीने उसको अप्लाई कर लो, उतना ही काम कर लो, और उसके बाद दो महीने आप फिर से आ जाओ फटे से, और उसके बाद हर महीने डेली आओ, क्या बोलते हैं? तो पूरी गारंटी है, 4 दिन तक तो पैसे, मैं बोलता हूँ 4 छोड़ो, अगर वो 10 दिन बाद भी बोलेगा मैं देने को तैयार हूँ, ऐसा कोई होता है क्या? बताओ, नहीं होता है। और कोई मांगेगा क्या? चलो मैं तुमसे बोलता हूँ, दो किसको जाने जाना है बताओ, मैं देता हूँ फीस उसको, बताओ किसको जाने जाना है? जाएगा। और ये सब केवल एशिया टेलीकॉम में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, ऐसी गारंटी केवल यहीं पर ही ले सकते हैं सर। हाँ, तो वो लोग बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं आप कब आओगे कब आओगे, मैंने आपको इतनी कॉल करी आपने एक भी रिटर्न कॉल नहीं की, इससे पता चल जाता है कि आपको जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको जरूरत है तो जाइए सीखने के लिए। मतलब एक स्टूडेंट को कॉलेज की जरूरत होनी चाहिए, कि वो कॉलेज को स्टूडेंट की जरूरत होनी चाहिए। आपको हर रात में प्रैक्टिकल दिया जा रहा है ना, हम एक इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल के लिए आते हैं, हम तभी तो इंस्टीट्यूट में फोन करके पूछते हैं कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल दोगे कि नहीं। और यहाँ का लेवल क्या है प्रैक्टिकल का? सर बहुत ऊपर है, मतलब हमने तो बस ये सोचा था कि हम नॉलेज के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नॉलेज से कहीं बढ़कर है। क्या बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए जो वो गलत वीडियो देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एशिया टेलीकॉम खराब है या लेट डाउन कर रहे हैं हम लोग को, बताइए। उनको मेरे हिसाब से इग्नोर ही करना चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए डूब मरो तुम लोग, कोई मतलब नहीं है। सही बात। अच्छा, डेली लाइव आ रहे हैं, अभी भी लाइव है मोहसिन, आप देखो कौन आता है, कौन अपने स्टूडेंट को लाइव चेहरा दिखाता है, है? और वो भी तब जब कोर्स के बीच में हो, कोर्स के पहले हो, आखिरी में जाते समय हो, हम तो आपको आखिरी में जाते समय हेलो भी लाइव ही करेंगे, बाय 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 लाइव भी करेंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी कौन रखता है मुझे बताओ? ये सिर्फ वही रख सकता है जो अपने बिजनेस और अपने जो काम है उसके प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार है और जो देना चाहता है, जिसको पता है मैं दूंगा और ये लेंगे उतना, काबिल आदमी कर सकता है, कर सकता है।
नकली अभी तो नहीं करेगा ना, जो बाईपास करेगा नहीं करेगा। ठीक है, सोचा कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन सीख सकते हैं। आपने ये क्यों नहीं सोचा मैं रजाई में आराम से बैठ के सीखूंगा, दिन में काम करूंगा, रात में एक घंटे का एक वीडियो देखूंगा और हर घंटे एक दिन वीडियो देखने के बाद एक दिन में बड़ा टेक्नीशियन बन जाऊंगा, क्यों नहीं सोचा? सर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप खुद सोचो कि अगर स्विमिंग करना है तो ऑनलाइन कोई स्विमिंग सीख सकता है? कभी नहीं सीख सकता। कभी नहीं सीख सकता, मतलब ये प्रैक्टिकल की चीज है। अब मुसीन जैसे आपने देखा, मुझे बताओ किस किस ने तीसरे दिन में लाइट पावर एसी लगा के चालू की थी यहाँ पर? एक बार वे मुझे बताइए चौथे दिन में, जैसे कि हमने आपसे कहा था आने से पहले कि चौथे दिन में सीपीयू नहीं लगाया तो पैसा रिटर्न दे देंगे, यहाँ क्लास में आने के बाद भी यही कहा? बदले तो नहीं? नो सर। बार बार बोले कि जिसको जाना है जा सकता है, समझ में नहीं आया? सर तो यहाँ मुझे बताइए चौथे दिन में किस किस ने सीपीयू लगा दिया है बताइए, और आप देखिएगा कि इसके बाद भी हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम है देवतरण कुमार और 28 सितंबर बैच के साथ में यार आज हम जुड़े हुए हैं हार्डवेयर सेक्शन के क्लास के बाद, क्योंकि अब इनका सॉफ्टवेयर और एमएमसी बैच का है, आधा एक पूरा सेक्शन बचा हुआ है। बात करते हैं कि यहाँ से आप देखेंगे कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर दिखाइए कि आए हुए हैं कुछ एक सपने लेकर, ये सोच के कि सर हम ट्रैकों की लाइन समझेंगे, ये सोच के कि सर हम आईसीओ को रिवॉल्व करना सीखेंगे, हम सीपीयू को रिवॉल्व करना सीखेंगे, हम पावर आईसी लगाना सीखेंगे, ये सोच के आते हैं कि हम ब्लैक पिस्टन पे काम करेंगे, ये सोच के आते हैं कि हम अब एमएमसी लेवल पे काम करेंगे, हमें सीपीयू का वोल्टेज पता होगा, हमें डेड सेक्शन पता होगा, या हमें पता होगा कि लाइट सर्किट कैसे काम करता है, या जनरली इन सारे सर्किटों में किस समय मैं स्कीमेटिक पढ़ सकूं, या मैं बात करूं मैं बोनियो चला सकूं, या मैं इन तरह की लाइनों पे काम कर सकूं, ये सपने लेकर ये लोग आए हुए हैं। और आज आधे कोर्स में आज हमसे इनसे कुछ बातें करते हैं और पूछते हैं कि आधे कोर्स के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इनके जो भी हम सिखा रहे हैं जो भी हम समय दे रहे हैं क्या वो वेस्ट तो नहीं जा रहा है, क्या ये वाकई में सीख रहे हैं। तो ये वीडियो उस पर है, मैं यहां पर और शुरुआत करने से पहले ये जरूर जानना चाहता हूं आप सब लोगों से, मुझे बताओ किस किस ने तीसरे दिन में लाइट पावर एसी लगा के चालू की थी यहां पर? एक बार फिर मुझे बताइए चौथे दिन में, जैसे कि हमने आपसे कहा था आने से पहले कि चौथे दिन में सीपीयू नहीं लगाया तो पैसा रिटर्न दे देंगे, यहाँ क्लास में आने के बाद भी यही कहा? बदले तो नहीं? नो सर। बार बार बोले कि जिसको जाना है जा सकता है, समझ में नहीं आया? सर तो यहाँ मुझे बताइए चौथे दिन में किस किस ने सीपीयू लगा दिया है बताइए, और आप देखिएगा कि इसके बाद भी आप जितने चेहरे देख रहे होंगे वो बहुत सारे चेहरों के सीपीयू हमारे सीपीयू के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, तो एक बार जोरदार ताली भाई। ये है ना सिर्फ और सिर्फ इनके हार्ड वर्किंग के लिए है, और ये हार्ड वर्किंग के लिए टीम इनके लिए ताली बजाएगी बच्चे, और एक बार जोरदार ताली यहाँ के पूरी मैनेजमेंट टीम के लिए। अर्जुन सिंह सर, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से? जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता या हैदराबाद, इतने सारे बड़े बड़े शहर क्यों ने क्यों ऐसा टेलीकॉम? सर मैं आपकी वीडियो देखता था डेली, मैं आपको फॉलो किया था, आपकी वीडियो देख मेरे को लगा कि जो एशिया टेलीकॉम यही अच्छा है, मतलब की क्योंकि ऐसे तो मैं दिल्ली में भी जा सकता था, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट मेरे को सभी बोले दिल्ली में चले जा, मतलब इतने दूर रहने दे, मेरे को आपके जो मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा वीडियो में भी, इसलिए मैं सर वहाँ से। अच्छा मुझे बताओ रियलिटी से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे वीडियो देखे, तो तुमने हमारा एक नेगेटिव वीडियो भी देखा होगा? हाँ सर देखा था सर। तो वो नेगेटिव वीडियो देखकर क्या मन बदला क्या आपका, मतलब सर मेरा क्या सोच में आया, तो सोच बताओ सर। सोच में ऐसा मतलब बोलते वीडियो देख के ऐसा लगा कि क्या पता जी सही बोल, लेकिन देखो आपका मतलब 7-10 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है, 2013 से। हाँ वही सर, जैसे आप मान लो कि रामायण भी लोग राम को भी गलत सीता को भी गलत बोल दिया, सीता को गलत बोल दिया, पूजा बंद कर देंगे क्या? पूजा बंद वही नहीं, उस मतलब भगवान को भी लोग गलत बोलते हैं कि ये ऐसे है, इन्होंने ऐसे रावण लेके कि गलत बोलते हैं जी जी। और सर मैं आपके इंस्टीट्यूट आके मेरे को इतना फायदा हुआ है, मैं सॉफ्टवेयर थोड़ा करता था पहले, तो जो दुर्गेश सर की क्लास थी कल मेरा वो भी डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मेरा क्या होता है, जैसे मीडिया टेक का मैं फोन लगाता था रिस्ट
स्टार्ट हो जाता था लैपटॉप तो पीसी को जिसमें मर्जी करूँ। तो जो सर ने बताया कि ऐसा ऐसा अगर हो जाए तो मैंने ऐसा ऐसा किया उसी टाइम। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो ठीक है आपने वो वीडियो देखा आपके मन में एक सेकंड के लिए तो डाउट होगा, तो क्या हमने आपसे पैसे लेने के बाद ये बोला कि अब हम आपको पैसे नहीं देंगे भाई सीखे नहीं सीखे बताओ। चार दिन तक बोलते हैं अगर किसी को मन नहीं है अब जा सकते हैं जो। अच्छा उसमें भी चार दिन में हमने ये नहीं बोला कि ऐसे बैठे रहो सीखते रहो, क्या बोला कि सीपीयू निकलवा देंगे चार दिन में, ये गारंटी बोली, गारंटी से बोला था, गारंटी से बोला। क्या बोला तुमने सीपीयू किया, तुमने लाइव पावर किया, तुमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे काम किए, हर सर्किट की आईसी उठाई, तुमने हर सर्किट को ड्रॉ किया और तुम्हारे एक ड्रॉ का एक एक्सप्लेन का वीडियो भी है और आगे जाने वाले समय में अभी तुम एमएमसी पे काम करने वाले हो सीपीयू पर, अभी तुमने डेड सेक्शन समझा, आगे जो डेड सेक्शन कैसा बहुत बढ़िया लगा सर। पहले तो मेरे को खुद मैंने फोन भी दिया था, देखा था मेरे पास लाए हुआ है मैंने, कि उसकी बूटिंग नहीं आया, लेकिन अब मेरे को पता चला कि मैं अगर अभी प्रैक्टिकल में बैठूंगा वहां पे तो मैं खुद वो करूंगा, चेक कर लूंगा उसको। अभी डैड का कांसेप्ट कैसा लगा, मतलब जैसे समझाने का कांसेप्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। ऐसा सोचा था क्या, सच बताओ? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, चलिए ठीक है, ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा मतलब यहाँ जाऊँगा तो सीख के आऊँ, बाकी आपके ऊपर भरोसा था कि आप जैसे वीडियो में बताते हैं वो ही यहाँ पे मिल रहा है सर। ठीक है चलो, क्या बोलना चाहोगे जो हमारे वीडियो देखकर हमसे कह रहे थे आपका तो गलत वीडियो डाल रहा है हम नहीं आना चाहते, क्या बोलोगे उनके लिए? मतलब दो बंदे को देख के वीडियो को नेगेटिव मतलब मत तो हो, आप सर को क्या बताओ वाकई नहीं, आप अभी खड़े हो इस टेलीकॉम में, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आंखें बंद करके आप एशिया टेली ज्वाइन करो। ये बोलना चाहता हूँ वो जिंदगी में कभी और कौन बोलना चाहता है बताओ ना, बोलो ना करके, क्या बोलना चाहोगे आप, क्या बोलना चाहोगे सर? जो भी बता रहे हैं कि भाई इस वीडियो के बारे में वीडियो की तरफ से कि भाई ये गलत है, ये सब गलत हो रहा है, यहाँ सब कुछ गलत नहीं हो रहा है, यहाँ सब एकदम रियल हो रहा है और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से हो रहा है। मुझे क्या करते थे तुम पहले? मैं पहले सिर्फ सर डिस्प्ले चेंज करता था मतलब, और उसके बाद फिर जो सीसी फ्लेक्स से नया लेके लगा दिया, मैं बोर्ड पे आज तक कभी ऐसा फिजिकली काम नहीं किया जी जी, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अब काम कर लूँ। आज का डेथ सेक्शन तो बहुत ही सुपर था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था दैट इतना नॉलेज मिलेगा जी, वो मजा आ गया। मार्केट में लोगों को वाकई में बताओ इतना नॉलेज है क्या? नहीं है सर, मतलब देखा जाए तो सच में नहीं है, मतलब लोग सिर्फ अभी तुक्के पे ही काम कर रहे हैं और ऐसा ही चल रहा है मार्केट में, हीट मार दिया हो गया, लेकिन अब हमको पता है हमको कब हीट मारनी कब नहीं मारनी। चलो मैं ये भी मानता हूँ कि तुम अभी घर पे बैठे हो, तुम यूट्यूब ये सोच रहे हो सारे इंस्टीट्यूट वाले फेक है, एजा टेलीकॉम पे तो फेक वीडियो डाले हैं, एक दो बच्चों ने डाले होंगे वो भी दो साल ढाई साल पुराने वाले, मैं ये मान लेता हूँ, तो तुम YouTube से सीख रहे हो, तो तुम बताओ YouTube से ये वाला नॉलेज उठा लेते क्या? नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि आपको YouTube पे पूरा नॉलेज मिलेगा, कोई पूरा कंटेंट नहीं डालता है, और अगर कभी सीखना है तो सच बोल रहा हूँ आपको इंस्टीट्यूट आना ही पड़ेगा, और एशिया टेलीकॉम में जो नॉलेज मिल रहा है वो सुपर से भी ऊपर है। अच्छा मुझे बताओ एक और सवाल करना चाहूंगा कि आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन सीख सकते हैं, आपने ये क्यों नहीं सोचा मैं रजाई में आराम से बैठ के सीखूंगा, दिन में काम करूंगा, रात में एक घंटे का एक वीडियो देखूंगा और हर घंटे एक दिन वीडियो देखने के बाद एक दिन में बड़ा टेक्नीशियन बन जाऊंगा, क्यों नहीं सोचा? सर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप खुद सोचो कि अगर स्विमिंग करना है तो ऑनलाइन कोई स्विमिंग सीख सकता है? कभी नहीं सीख सकता, कभी नहीं सीख सकता, मतलब ये प्रैक्टिकल की चीज है। अब मुसीन जैसे आपने देखा अभी आपने डेट सेक्शन मेरा अटेंड किया, आपने सारी चीज देखी, अब इसको आप ऑनलाइन जैसा ले रहे हो, अब आपको इसको खुद प्रैक्टिकल करने मिलेगा, कर सकते तो अभी आप हमारे सामने प्रैक्टिकल करोगे ना तो उसमें कॉन्फिडेंस आपका क्या बढ़ेगा? बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, बहुत ज्यादा, इसलिए आपको हर रात में प्रैक्टिकल दिया जा रहा है ना, हम एक इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल के लिए आते हैं, हम तभी तो इंस्टीट्यूट में फोन करके पूछते हैं कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल दोगे कि, और यहाँ का लेवल क्या है प्रैक्टिकल का? सर बहुत ऊपर है, मतलब हमने तो बस ये सोचा था कि हम नॉलेज के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नॉलेज से कहीं बढ़कर है। क्या बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए जो वो गलत वीडियो देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एशिया टेलीकॉम खराब है या लेट डाउन कर रहे हैं हम लोग को, बताइए? उनको मेरे हिसाब से इग्नोर ही करना चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए डूब मारो तुम लोग, कोई मतलब नहीं है। सही बात। अच्छा डेली लाइव आ रहे हैं, अभी भी लाइव है मोहसिन, आप देखो कौन आता है, कौन अपने स्टूडेंट को लाइव चेहरा दिखाता है, है? और वो भी तब जब कोर्स के बीच में हो, कोर्स के पहले हो, आखिरी में जाते समय हो, हम तो आपको आखिरी में जाते समय हेलो भी लाइव ही करेंगे, बाय 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 लाइव भी करेंगे, तो ये ट्रांसपेरेंसी कौन रखता है मुझे बताओ? ये सिर्फ वही रख सकता है जो अपने बिजनेस और अपने
जो काम है उसके प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार है और जो देना चाहता है, देना चाहता है, जिसको पता है मैं दूंगा और ये लेंगे उतना, काबिल आदमी कर सकता है, कर सकता है, नकली आदमी तो नहीं करेगा ना, जो बाईपास करेगा नहीं करेगा सर। देखिए आज का डेथ सेक्शन, मान लो वो लड़कों कहते हैं अरे वो तो कुछ भी नहीं सिखाते, वो तो जीरो है, वो तो ऐसा है, बताओ हम क्या कुछ भी नहीं सिखाते सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जितनी नॉलेज यहाँ पे मिले इतनी नॉलेज कोई नहीं दे सकता है, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है यहाँ पे। जो फेक वीडियो डालता है हर कोई एक दूसरे जलता है, फूकता है, भाई ऐसा है वैसा है, कोई कुछ ना कुछ डाउट होता है भाई, कोई होती है कुछ बोल चाल ऐसी वजह, कोई मान लो कोई ऐसा वीडियो डाल रहे हैं जो हमारा स्टूडेंट ही नहीं है, अब उनके लिए क्या कहना चाहोगे फिर? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी आना चाहता है यहाँ पे तो आ सकता है, बेफिक्र ही चीज़ें वो हो गए, इसमें यहाँ पे कोई ऐसा कोई वो मसला नहीं है कि यहाँ पे ऐसे वैसे सिखाते हैं, पैसों का मसला है यहाँ पे, पैसे के उससे सिखाते हैं, कोई सिक्के ना सिक्के के भाई पैसे है उन्हें तो पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट समझ के स्टूडेंट की तरह से ही सिखाता है आदमी कि हमारे स्टूडेंट है, हमारे टीचर है, ऐसे पैसे वैसे का कोई मसला नहीं होता यहाँ पे, बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, नॉलेज के साथ में एक बारीक से बारीक चीज़ सिखाई जाती है जो कि सीखनी चाहिए और जो कि नॉलेज बहुत ही अच्छी तरह, अगर नहीं समझ में आता है तो तब भी आपको बहुत बारीक अच्छी तरीके से समझा जाएगा। ठीक है, मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या है, कहाँ से आया? मैं अलीगढ़ यूपी से सर। क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है सर। सलीम मुझे बताओ कि पहले चीज बताओ, एशिया टेलीकॉम वाकई में क्या रियल है, क्या फेक है, क्या है बताओ? सर एशिया टेलीकॉम बिल्कुल रियल है, मेरे तो करीब में दिल्ली बिल्कुल 80-90 किलोमीटर ही है जी। मैंने इतने सारे वीडियो देखे और लोगों के वीडियो देखे, वहाँ पर मैंने कॉल भी की उन लोगों को, किसी को नाम नहीं लेंगे। हाँ फिर हाँ, तो वो लोग बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं आप कब आओगे कब आओगे, मैंने आपको इतनी कॉल करी आपने एक भी रिटर्न कॉल नहीं की, इससे पता चल जाता है कि आपको जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपको जरूरत है तो जाइए सीखने के लिए। मतलब एक स्टूडेंट को कॉलेज की जरूरत होनी चाहिए कि वो कॉलेज को स्टूडेंट की जरूरत हो रही है, मतलब वो खाली है। यस सर, जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं, हम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में देखो तो हर तरह से दाखिला मिल जाएगा, पर IIT कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कितना मरते हैं तैयारी करते हैं रात भर की उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो कभी कॉलेज में कॉल करते हैं क्या सर आ जाओ आज रात में दे देंगे? तो मुझे बताओ बहुत एक दो कुछ जो ये कंसेप्ट अलग है, मैं आज डेट सेक्शन कैसा समझाया, चलो बहुत अच्छा समझाया, मैं तो ये समझ लिया तकरीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ, कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, जो इतना इजी कर दिया है, मतलब निकाल के पहले हीट मारना हुआ, हो गया हो गया, नहीं तो वापस कर दिया, मोस्टली से ज्यादातर 50% मतलब 80% रिटर्न ही जाते थे सर जी, और दूसरे से कराने पड़ते थे। तो ये इंस्टीट्यूट में आने से फायदा मिलता है कि नहीं मिलता? ये बहुत ज्यादा फायदा हुआ है सर, मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि आप शॉप बंद करके आए हैं और शॉप बंद करने के बाद बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारा घाटा होगा, अब जब वो दिन में कोई सेट बना नहीं रहे, कोई नॉलेज मिल नहीं रही, यूट्यूब से कोई ज्ञान मिल नहीं रहा है, अपने आपको वो जीरो पे रख के चल रहे हैं, उनके नीचे वो फिर बाद में लड़के लेकर आते हैं वो भी भाग जाते हैं, बने बने सेट बिगड़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या घाटा क्या फायदा फिर दुकान का? घाटा नहीं है, फायदा होगा जितना, मतलब अब तक लॉस गया ये घाटा है मेरा, मुझे पहले ज्वाइन करना था, ये 2-4 साल पहले आ जाता तो कहीं और होता मुझे। सर बताओ आप लोग यहाँ पर अगर यही चीज 1 साल पहले अटेंड करते तो आज आपका लेवल क्या होता? लेवल होता ना, यहाँ पर आते अभी बैकअप क्लास अटेंड करते हैं। और मैं आप आपको मैं 3 पावर का सर्किट बताता, 4 पावर का सर्किट बताता, उतने लेवल पे होते आप। मुझे बताइए कि वो फेक वीडियो के बारे में क्या बोलेंगे? फेक वीडियो लोगों का काम है जलना, अब पता ना वो क्यों कर रहे हैं, बदनाम करने के लिए, इससे उन्हें क्या हासिल हो रहा है, व्यू हासिल करने का, ये तो वही जाने, मतलब सही बात है, सही बात है, लेकिन जो अगर सही बंदा होगा तो ऐसे नहीं करेगा, ये नीची सोच है, गलत सोच है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए उन लोगों। अच्छा फेक वीडियो भी हो तो इतने सारे स्टूडेंट है, कैसे आप ही के बैच में आप देखो तो 30 बच्चे हैं, देखो बिल्कुल, मतलब आप ये समझो कि उस वीडियो को यहाँ पे जो आया नहीं वो स्टूडेंट देख रहा है जी जी, तो उसकी क्या थिंकिंग होना चाहिए, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उसके लिए कहना चाहूंगा जब तक वो यहाँ पर नहीं आएगा नहीं समझ पाएगा, आपको कितना भी समझाना चाहिए लेकिन आएगा तभी समझेगा, यहाँ पर यहाँ आके पढ़ने की बिल्कुल गारंटी है के लिए बिल्कुल पूरी गारंटी है, 4 दिन तक तो पैसे, मैं बोलता हूँ 4 छोड़ो, अगर वो 10 दिन बाद भी बोलेगा मैं देने को तैयार हूँ, ऐसा कोई होता है क्या बताओ? नहीं होता है। और कोई मांगेगा क्या? चलो मैं तुमसे बोलता हूँ दो, किसको जाने जाना है बताओ, मैं देता हूँ फीस उसको, बताओ किसको जाने जाना है? और ये सब केवल एशिया टेलीकॉम में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, ऐसी गारंटी केवल यहीं पर ही ले सकते हैं सर। बताओ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात नहीं करूंगा, थोड़े बहुत है, बताइए प्लीज। सर मेरा नाम अजय प्रजापति है, मैं देवास से हूं सर। अजय देवास से, मुझे बताओ अजय कहां से यहां क्यों, वहां से यहां क्यों? सर बाकी ऐसा है कि सर कुछ क्वालिटी है, हाई क्वालिटी का इंस्टीट्यूट है सर, अभी मैंने इतने रिव्यू देखे, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट के रिव्यू देखे, बाकी मेरे को जहाँ मतलब क्वालिटी का मेरे को लगा कि मेरे गुरु मतलब कुछ करने के मतलब कुछ सिखाने के लिए काबिल है सर, तो सीखने के लिए हम यहाँ आए सर।
तो मतलब हमको 100% क्या 200% मिला सर। मैंने सोचा नहीं था कि इतना डीपली नॉलेज मिलेगा और सीखने को मिलेगा सर। आपने देखो, आप लोग आए होंगे तो ऐसा नहीं है आप लोग ने हमें जज नहीं किया होगा, आप लोग ने भी हमें शुरू से आखिरी तक बिल्कुल बोलते ना कि सुई की नोक पे जज किया होगा, किया कि नहीं किया, इनको इतना नॉलेज है कि नहीं है। मुझे बताओ कोई भी आज डेट सेक्शन नहीं है क्या, यूट्यूब वाला नॉलेज नहीं है? नो सर, पॉसिबल ही नहीं है। यूट्यूब पे ऑनलाइन मतलब करना भी चाहेगा तो पॉसिबल नहीं है। आज हमने तो एक कितना सीक्रेट वाला दे दिया है फ्री में, छह और एक सीक्रेट वाला, कोई नहीं बताता सर क्या होता है, मतलब बग कितने बनते हैं, कहाँ से निकलते हैं। मैं तो सर बस नॉर्मली फ्रेशर के हिसाब से मतलब देख लेते हैं, हीटअप लगा के देख लेते हो गया तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर देते। क्योंकि हम सीपीयू में हीट लगा रहे हैं तो सीपीयू को तो वोल्टेज ही नहीं पहुंच रहा है और सीपीयू पे हीट लगा रहे हैं सर, उसके कोई पेड लाइन नहीं मालूम था, इतने पेड लाइन से इतने जीआर वहां जाने चाहिए, तो मतलब मोबाइल होने का मतलब एक जीआर भी नहीं, एक जीआर की दूर की बात, एक ग्राउंड भी बहुत मायने रखता है सर मोबाइल के। मैं एक और पूछना चाहता हूं कि जैसे मोहम्मद सर ने आपसे सब कहा था कि 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकता कोई, बिल्कुल सर एक बार में नहीं ला सकता, इतना माइंड आईक्यू नहीं है किसी का भी, और जिसका होगा तो वो ये रिपेयरिंग नहीं करेगा, वो आईएएस बन जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो इस फील्ड में क्यों होगा। तो सर अगर 100 में से 50 आ रहे, 60 आ रहे, तो हम जैसे बोलते हैं बहुत से लोग सर एक महीने में क्या सिखाते होंगे, एक महीने में क्या सिखाते होंगे, तो हमारा एक महीने का कंसेप्ट ही नहीं है, हमारा कंसेप्ट जीवन भर का लाइफ टाइम का है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि एक महीने के बाद जो भी पढ़ा है पहले एक दो महीने उसको अप्लाई कर लो, उतना ही काम कर लो, और उसके बाद 2 महीने बाद फिर से आ जाओ पढ़ते से, और उसके बाद 1.5 महीने डेली आओ, क्या बोलते हैं? तो चले हैं कि ये सर टेलीकॉम बुलाती है तो जाना नहीं, ऐसा क्या जाती है तो बुलाना नहीं, क्या था वो बुलाती है। चलो इसी को आज अपन तर्क बनाते हैं, लोग इसको हमारा नेगेटिव पॉइंट समझते हैं ना, तो हम बोलते हैं तो हम सब बुलाएंगे, बुलाती है पर आ जाना, बुलाएगी तो आ जाना, बोलो बुलाएगी तो आ जाना, जाना नहीं yes. और कहीं और जाना तो पैसा बर्बाद करके आना पे yes, फिर उसके बाद रो रो कर आना yes, फिर हमारे आना हमारे पास yes, क्योंकि हमने अच्छा सर कैसा है, हर एक का नजरिया भी अलग रहता है, तो उसने पहले खुद आना चाहिए यहाँ पे, देखना चाहिए रियलिटी और फिर उसके बाद में वीडियो डालना चाहिए। ठीक है, करो एक एक लाइन सबके लिए, फेक वीडियो के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर अगर वीडियो पे ध्यान दोगे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इग्नोर करो वीडियो को और आगे बढ़ो। और जिस इंस्टीट्यूट जो डेली लाइव दिखा रहा है, जो डेली बच्चों का आउटपुट दिखा रहा है, जहां बच्चे कर रहे हैं, जहां हर महीने, अच्छा फेक होता तो 2-3 महीने के वीडियो आते हैं फिर 2-3 महीने स्किप हो जाते हैं, कभी 1 महीना उनका बैच लगता कभी नहीं लगता, यही होता ना, कभी 1 महीने में एक बच्चे का शुरू का बैच दिखा रहे हैं, आखिरी का दिखाई नहीं रहे, मतलब आखिरी का स्किप क्यों कर दिया, क्योंकि आधे बच्चे भाग गए होंगे, पर यहाँ कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। बताओ फेक फेक वीडियो के बारे में क्या कहोगे? सर फेक वीडियो जो बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिस दिनों ने बनाया बनाया वो बिल्कुल गलत है, बना ब्लैकमेल कर रहे हैं। पैसे वीडियो को तुमने भी देखा था और अभी देख के तुम यहाँ आए हो और यहाँ पे ज्ञान नहीं मिला आपको। आने से पहले भी देखा था और मैंने उस वीडियो को स्किप कर दिया सर। ठीक है फेक वीडियो के बारे में क्या कहोगे? बस ये लास्ट है, फेक वीडियो के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके अंदर आग है सीखने की, जुनून है, तो आप ये सब स्किप कर दें, मतलब यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ आना चाहिए बेफिक्र होकर। गारंटी दोगे अपनी? हाँ सर बिल्कुल, पक्का बिल्कुल, मैं गारंटी ले। ठीक है भाई, फेक वीडियो के बारे में क्या बोलोगे? कम उम्र के नेपाली अंग्रेजी एसिया टेलिकम फेल्स फेक छैन, मैले नि 2-3 महिनाबाट हेरेर आएको वहाँबाट होइन, नेपालबाट फेक छैन, नेपालबाट धेरै स्टुडेन्ट आएको छ यहाँ, हामी चाहँदै भने त नेपालमा नि पढ्न सक्दैन नि, नेपालमा नि जति नै छ दिनको 4 घन्टा पढाउँछ नेपालमा, 55-60 हजार फिस लिन्छ, म पनि गएको थिएँ तर 2 दिनपछि फाक दिएँ। चार दिन को दे तो रहे हैं, सारा पैसा लौटा रहे हैं, अब इतने बड़ा गारंटी क्या दे? यहाँ आने के बाद वो समझेगा कि क्या है, एक दिन में पूरा समझ जाएगा, वो जाने के लिए उसका मन है नहीं। और लोग बोलते हैं डेमो क्लास में आओ, डेमो क्लास में आओ, और लोग डेमो में एक हाफ शॉटिंग निकाल देंगे, एक टीचर खुद पावर आईसी निकाल के लगा देगा, यहाँ तो हम बोले तुमसे सीपीयू लगवाएंगे, तो ये तो डेमो से भी ऊपर है ना। बताओ फेक वीडियो के बारे में क्या बोलोगे? अच्छे के लिए तो बुरे रहते पीछे, बुरे बोलते किसके पीछे, कौन अच्छा रहता नहीं उसके पीछे बहुत बुरे रहते,
वो भी बुरे थे इसलिए बोले हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। आप बताइए फेक वीडियो के बारे में क्या कहोगे? ये सब जो बुरे लोग होते हैं उनका यही काम होता है, जो आगे बढ़ रहा होता है उनके साथ खींचना खींचना। और वो निगेटिव है, वो जीवन में ऐसे हैं, वो अभी कभी किसी के नहीं हुए, ना माँ बाप के ना किसी के, और जिंदगी में कभी नहीं पनप पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं बढ़ पाते। बताइए सर। सर वीडियो फेक है, इंस्टीट्यूट फेक नहीं है, ये बात तो यहाँ आने के बाद सर बिल्कुल गारंटी कौन देगा यार? नहीं दे रहा हूँ। तुमने देखा था ना वीडियो? मैं खुद वीडियो देखा पर उसको स्किप करा और यहाँ आया तो पता चला वो वीडियो फेक है, इंस्टीट्यूट फेक नहीं है। ठीक है, वाह वेरी गुड। बताओ। मैं मोहम्मद फिरोज बिहार अररिया से, मैं भी देखा हूँ उस वीडियो को, सरासर वो वीडियो फेक है और मुझे लगता है कि ये सब गलत है, ये सब होना भी नहीं चाहिए। और जो ये वीडियो बनाए हैं उसके लिए मैं खास ये कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो को देख के स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं कि आखिर तो उसमें कोई काबिलियत होगी, कोई खासियत होगी कि उनके ऊपर कोई जलन से वीडियो बनाया, तो चलो हम जाके वहाँ पर देखते हैं। तो सर मैं वही वीडियो को मैं भी देख के स्किप करके यहाँ आया। वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ फेक वीडियो का क्या सीन है? मेरा नाम नरसिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ सर। जी अच्छा सर, मैंने भी फेक वीडियो देखा था। हाँ। तो पहले वो अपने अंदर तो झांक के देखें सर, तो दूसरे को क्यों जज कर रहे हैं? और यहाँ पे आके देखेंगे ना तो उनकी हवा खिसक जाएगी सर, कि स्टूडेंट चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे जो नॉलेज मिलता है ना एकदम प्रो लेवल का, बिल्कुल डीप लेवल से खाली क्लास को भर दिया जाता है। वो तो सर चाहे तो दो मिनट में बंद कर दें उनकी चैनल को, और उनके जैसे कईयों को साफ करके उनके घर तुलवा दें। बट क्या करना, स्किप करो इन लोगों को, क्या देखना उनको, उनको देख कर यहाँ आने का। लायक नहीं है, सीधी सी बात। अब बताओ फेक वीडियो, आप लोग भी खड़े हो जाओ प्लीज पीछे वाले। सर, फेक वीडियो बराबरी नहीं कर सकते सच में? यस सर, मानते हैं बात। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सर जो फेक वीडियो बनाए हैं जी, सबसे पहले बात तो बिना आए यहाँ पे कैसे उनको पता लग गया कि सही पढ़ाई नहीं होता है? सही बात है। और वहाँ यहाँ पे आए तो उन्हें पता लगे कैसे पढ़ाई होती है यहाँ, उनके अंदर जो कहीं ना कहीं गलती है, यहाँ आके पता करें तब पता चलेगा, पता चलेगा। तो जो लोग ये वीडियो देखकर, जो भी वीडियो ये देखे हैं, मैं भी देखा था वीडियो, आपने भी देखा, फिर भी मैं आया। फिर भी आप आए? जी सर, फिर भी मैं आया। आपने मैं मेरे मन में था कि सही पढ़ाएंगे या नहीं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आया, वीडियो मैं आपका देखता था, इतना नॉलेज नहीं होगा तो कैसे एक एक पॉइंट पर बताते हैं, चर्चा करेंगे। इस मतलब वजह से मैं आया। फेक लोगों के कोई डेली अपडेट के वीडियो आते ही नहीं है, आ ही नहीं सकते। और आपके सर डेली वीडियो आते हैं। हाँ। वो देख के मैं स्टेप बाय स्टेप डेली में देखता था और घर वालों को भी दिखाता था। अरे मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरा एक बार पैनल आ जाने दो, रुक जाओ, मैं वेटिंग फॉर पैनल। और अभी वो एक बार आ जाए तो मैं ऐसी लड़ी लगा दूंगा ना नॉलेज की, लोगों को लगेगा ये कहाँ से, ये क्या था एक मोबाइल में, ये क्या हो सकता है। चलो बताओ फेक वीडियो जो भी लैंग्वेज जो भी आपकी। सर मैं देखिए डरी जाइली, मुझे भावी मुझे पैसा देवी से पैसा सतरे पानी रे बुड़ी जो कि न बुड़ी जो फेक वीडियो देखिए आसवाक चाहू नी। तापर मुझे वीडियो सब देखिली देखिली मोर मन है मोर मन चाहला साहु जी मुझे ना मुझे थोड़े से देखी। तापर देखिली ये आसली से फेक वीडियो को देखला पर भी आसली आसिक ये निजे अनुभव कली से वीडियो सब मिछ थिला आ मुझे आसला से वीडियो सब बनातु ना। जो पिला आम ओडिशा रु आसे पय जाय से टेलीकॉम पे आम ओडिशा रु पिला आखि बुझी के एटी आसी पारिबो। सर मैंने फेक वीडियो देखा था सर, मैंने बहुत दिन सोचा कि जाओ या नहीं जाओ, लेकिन सर मैंने फाइनली बाय सर को सर से बात की और फिर मैं यहाँ आया। क्यों ऐसा लगा कि तुम्हारे सर मैं जाऊँगा चलो देख लेता हूँ? सर क्योंकि सर वो तुम्हारे मन में क्यों था फेक वीडियो देखने के बाद भी नहीं जाना यार? सर आपको मैंने जब टेंथ में था मैं तब से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा। और मैं से सीख रहा हूँ। फिर सर विश्वास तो आप पे, और सर मैंने दो मिनट के वो वीडियो देखा और आपका कितने घंटों का वीडियो देखा मैंने आपका, आपकी आपके वीडियो है बहुत आधा घंटा एक घंटा मैंने सारा देखा है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जब मेरे इतने सैकड़ों वीडियो देख कर हाँ सर तुम दो वीडियो पे बिलीव नहीं कर सकते ना? आपका नॉलेज मुझे मिला तब से टेंथ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सब लोग। एक बार लास्ट में एक बार पूरी फाइनल जोर पे आने वाले सर्किट के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। और एक और बार कहूंगा कि अब मुझे बताओ कौन कौन ब्लैक पे स्टेट बिल्कुल मलाई जैसा निकालना चाहता है? पक्का? कौन कौन डुएल लेकर करना चाहता है? दोनों हाथ खड़े करके बताओ। और कौन कौन इमेंस
सीखना चाहता है। पक्का? तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं कल से। सर मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?